तो बिस्तर है मैदान, ओढ़ना धरती ते निशान, तेरे सिर खाने है चट्टान, पहले पहले पूरा आसमान, तू पगड़ी बांध मिलखा, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग टू एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? ओहो, मिल्खा सिंह ऑफ FSMNCMA हैज अराइव्ड। आज फटाफट से बता दो, एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? सर क्या ये रिवीजन क्लास इनफ है? बिकॉज आई हैव बीन वॉचिंग योर दिसंबर रिवीजन क्लासेस। अच्छा इनफ किसके लिए? हाँ जी, वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग वेरी गुड इवनिंग। एक बार मैं नाम नहीं ले पाऊंगा, है ना, बड़े सारे बच्चे हैं, कैसे 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 नाम ले। चलो जहां से भी ले सकते हैं लेते हैं। दिस इज साक्षी, शिवू, राजन, पूर्णिमा, खुशबू, योगेश, तेजस चौधरी, गायत्री, आरती, साकेत, नेहा जैन, मृग्या, जय गौर, खुशबू कौशिक एंड 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 इको आ रही है। आर यू फेसिंग सम इको इको प्रॉब्लम आ रही है? एक बार आवाज चेक करिए, क्या सब कुछ ठीक आ रही है या नहीं, एक बार ही बताइए मुझे। बच्चा कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है कि सर इको प्रॉब्लम आ रही है। जोशी, ऋषि, ओके, सोफिया, ऋतिक, थोड़ी थोड़ी है, थोड़ी थोड़ी है। अच्छा चलो मैं कोशिश करता हूं, आवाज में थोड़ी डिस्टरबेंस हो रही है। ऑल सेट, चलो ग्रेट। तो चलिए, दिस इज माय फर्स्ट रिवीजन क्लास फॉर सीजन टू। तो पहले तो आपका दिल से आप सभी का बहुत 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 स्वागत, ठीक है जी। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज से ऑफिशियली FSMNCMA की पाठशाला, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों की बहुत अच्छी तैयारी करवा सकूं मैं, और आप लोगों को बहुत बढ़िया और इन डेप्थ कॉन्टेंट मैं दे सकूं ड्यूरिंग दिस रिवीजन सीरीज। और जिन्होंने भी मुझसे पढ़ा बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको भी बहुत मजा आएगा। एंड आई एम श्योर कि जो मैं रिवीजन में कराऊंगा वो आपकी रूटीन क्लास से भी ज्यादा डेप्थ में होगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है जी। चलिए, तो कुछ भी करने से पहले, कुछ भी सब सर और सब्जेक्ट भी होंगे क्या? बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। यू विल वेरी सून गेट योर शेड्यूल फॉर अदर क्लासेस ऑल्सो। सो एज वी अनाउंस्ड कि हमारा पूरा ग्रुप टू होगा, पूरा ग्रुप वन होगा डेफिनेटली, तो आठों के आठों सब्जेक्ट इस बार बहुत डिटेल में आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। तो आई एम श्योर कि आप लोग सिर्फ एक काम करना है आपने, कि आप लोगों ने बस जुड़ जाना है जब भी हम आपको बुलाएंगे, ठीक है जी। चलिए, तो कल मैंने एक वीडियो डाला था और मैंने उसमें आपसे पूछा था कि बताओ कि आप क्या चाहते हो, लाइक आई शुड स्टार्ट विद FM और आई शुड स्टार्ट विद अकाउंट्स, FM करूं तो किससे करूं। तो बहुत सारे मैसेजेस आए, तो ज्यादा जो मैसेजेस आए देवर लाइक वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट करा दो या कैपिटल बजटिंग करा दो। और कुछ बच्चों ने कहा कि नहीं सर आप शुरू से ही करा दो, बस सब कुछ करा दो और साथ में टेस्ट जरूर ले लेना, है ना। तो अभी जो इस बार का जो रिविजन सीरीज रहेगा दैट विल बी थोड़ा सा डिफरेंट फ्रॉम व्हाट वी डिड इन द लास्ट सेशन, ठीक है जी। तो इस बार ना
क्योंकि आईसीएसआई ने थोड़ा सा पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन पैटर्न में थोड़ा सा चेंज किया था, तो मुझे लगता है कि हम लोग भी अपनी रिविजन सीरीज को अकॉर्डिंगली मोल्ड करेंगे ताकि इस बार हम लोग आईसीएसआई की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चंस वहां पे अटेम्प्ट कर पाए, ऐसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है जी, चलिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सृष्टि थ्योरी पे भी बहुत ज्यादा काम करेंगे इस बार। ठीक है, इस बार डेफिनेटली थ्योरी पे मैं स्पेशल पॉइंट्स लिखाऊंगा, चाहे वो अकाउंट्स की थ्योरी हो चाहे वो एफएम की थ्योरी हो। ठीक है, और उस पर बेस्ड मैं आपको एमसीक्यू भी दिखाऊंगा कि आपको किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है जी, चलो। सो आई होप एवरीबॉडी इज रेडी नाउ। एवरीबॉडी रेडी? कम ऑन एवरीवन। ओ भाई, इतने बड़े बड़े मैसेज कौन लिख रहा है? सर, आई ऑल्सो टुक योर प्रीवियस यूट्यूब लेक्चर, इट कंटेन्स गुड कंटेंट फ्रॉम द प्रीवियस वीडियो, बट अनफॉर्चुनेटली आई कांट कंप्लीट सो आई कैन वॉच इट। सर बिल्कुल देख सकते हो आप। देव कपूर क्या कह रहे हो? सो जो चैप्टर ना करवा पाओ उसकी भी ग्लिम्स या इम्पॉर्टेंट बता देना इंडेक्स वाइज। डेफिनेटली डेफिनेटली देव, आई विल डू दैट। ठीक है जी, चलो। जून में मेरा थर्ड अटेम्प्ट है। ओ माई गॉड, निज्ञा डोंट वरी, वी विल ट्राई कि आपका आखिरी अटेम्प्ट हो। ठीक है, कैपिटल मार्केट मत भूलना। बिल्कुल नहीं भूलूंगा। ठीक है जी, रिंकू मेरा सी ए इंटर स्टूडेंट कैन ऑल्सो वॉच दिस, डेफिनेटली यू कैन वॉच। चलिए आइए, जरा बहुत बातें हो गई, आइए स्टार्ट करते हैं। तो एफएम के अंदर ना मैं आपको बताता हूँ कि मैंने पूरा का पूरा एफएम जो है ना वो कुछ यूनिट्स में डिवाइड किया। ठीक है, तो आप लिख लीजिए यूनिट वन, यूनिट टू, यूनिट थ्री एंड यूनिट फोर। ठीक है जी, तो हम लोग पूरा का पूरा एफएम चार यूनिट्स में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, जिसकी वेटेज आपके एग्जाम में रहेगी 60 मार्क्स। ठीक है बेटा, और यूनिट वन के अंदर जो हम लोग चैप्टर्स पढ़ेंगे दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी, लीवरेज, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ठीक है जी, कैपिटल स्ट्रक्चर, कैपिटल स्ट्रक्चर थ्योरीज, डिविडेंड डिसीजन, ये सारे चैप्टर आई विल बी कवरिंग इन यूनिट वन। यूनिट टू में आई विल बी कवरिंग योर कैपिटल बजटिंग एंड लीज बाय। ठीक है जी, यूनिट थ्री में हम लोग कवर करेंगे वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जिसमें आपका एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट, ये सब चीजें कवर अप हो जाएंगी। एंड यूनिट फोर में आप लोग कवर अप करोगे पोर्टफोलियोस। ठीक है जी, यूनिट फोर में आप लोग कवर अप करोगे पोर्टफोलियोस। ठीक है जी, चलो ग्रेट। तो कुछ इस और इसवी में हम पढ़ेंगे सिक्योरिटी एनालिसिस आल्सो, सिक्योरिटी एनालिसिस। ठीक है जी, तो बेसिकली ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है एफएम का फॉर 60 मार्क्स, विच आई हैव डिवाइडेड इन फोर डिफरेंट यूनिट्स। तो हम लोग इस तरीके से कवर अप करेंगे। ठीक है, टू स्टार्ट विद आई वांट कि थोड़ा सा पहले आपका बेस बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, और बेस हमेशा यूनिट वन से ही बनता है। ठीक है, तो मे बी आप लोगों को यूनिट वन बहुत अच्छे से आती हो, बट स्टिल आई वॉन्ट कि ये जो यूनिट वन है ना ये बेस है पूरे एफएम का। ठीक है, तो इस यूनिट वन के अंदर आप करीब करीब मान के चलिएगा कि आपको 20-25 मार्क्स आपको देखने को मिलेगा थ्योरी कम प्रैक्टिकल। ठीक है जी, तो अगर हम ये यूनिट अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, जैसे 60 मार्क्स की यूनिट है तो सबसे हैवी यूनिट है ना वो है ये और एक यूनिट थ्री, ये दोनों यूनिट्स बहुत हैवी है। ठीक है, करीब करीब 15 नंबर की ये भी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से, और ये जो यूनिट टू और यूनिट फोर है ये आप लगा के चलेगा 8-10 नंबर, 10-10 नंबर का इसका वेटेज रहता है। तो इस तरीके से हमारा टोटल बाइफरकेशन है फॉर एफएम सब्जेक्ट, राइट? ठीक है सर, तो यूनिट वन के अंदर यू कैन सी वी हैव 1, 2, 3, 4, 5, 6 चैप्टर्स हैं हमारे पास। तो इन 6 के 6 चैप्टर्स को हम लोग कवर अप करेंगे यूनिट वन के अंदर। आपने आपकी मर्जी है, आपको वो भी कंटेंट मैंने बहुत डिटेल में कराया हुआ है, तो आप में से कोई भी बच्चा अगर पुरानी वाली जो सीजन वन था वो देख रहा है वो देख सकता है। बट मुझे लगता है कि कई बार क्या होता है वो रिकॉर्डेड है और अभी मैं लाइव आ चुका हूँ। ठीक है ना, तो आप मेरे साथ लाइव अटेंड कर सकते हैं। अगर बाई चांस मुझे लगेगा
कि कुछ चैप्टर्स में नहीं कवर अप कर पाया, तो हम लोग फिर उसको प्रीवियस वाले सीजन वन से देख लेंगे जिसमें बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुआ होगा। ठीक है जी, चलिए तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आपने कुछ नहीं करना बच्चे, देखो मैं आपको बताता हूँ होता क्या है, प्रॉब्लम कहाँ पे। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे कहते हैं कि सर इसका एक पतली सी बुक बना के दे दो, या फिर हमारे को सारे फॉर्मूलेस एक जगह पे बना के दे दो। तो आपने क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, आपने ना मेरे साथ ही नोट्स बनाने हैं, ठीक है, आपने मेरे साथ मिलकर नोट्स बनाने हैं, ठीक है। और वो नोट्स जो है ना, जो भी हम बनाएंगे वो हम इस तरीके से बनाएंगे कि हम लास्ट मोमेंट पे उन नोट्स को अगर पढ़ें तो हमारे सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाए विद इन मैक्सिमम 2 to 3 hours। यानी कि ये सारी चीजें 2 से 3 घंटे में रिवाइज हो जाए, ऐसा आप लोगों ने कोशिश करनी है जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे तो। ठीक है जी, चलो ग्रेट। ओके, सीएमए का टाइमिंग क्या रहेगा? टाइमिंग सेम रहेगा आपका, ठीक है, टाइमिंग 9 बजे का ही रहेगा बिकॉज वी आर प्लानिंग 8 subjects। तो अब जब 8 subjects हम लोग प्लान करेंगे तो डेफिनेटली मेरे को जो टाइम स्लॉट मिला है वो 9 बजे का ही मिला है, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे एक दिन FM और एक दिन accounts कुछ इस तरीके से मैनेज करेंगे, ठीक है ना। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इस बार सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा नहीं, साथ साथ टेस्ट लूंगा आपके। आप समझ रहे हैं इतनी जल्दी स्टार्ट करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई वी आर स्टार्टिंग सो अर्ली, जस्ट बिकॉज आई वॉन्ट कि आपकी टेस्ट सीरीज भी मैं कंप्लीट करूं। तो भले ही मैं आपके साथ चैप्टर करूं 10, लेकिन 10 ऐसे चैप्टर कंप्लीट करूं जिसमें कंप्लीट कवरेज विद टेस्ट सीरीज हो। सो आर यू ऑल रेडी, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, आर यू ऑल रेडी? तो स्टार्ट करें फिर, चलो ग्रेट। तो ऊपर हेडिंग डालेंगे जरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जस्ट राइट ऑन द टॉप। मेरे साथ नोट्स बनाने हैं बेटा आपने, ठीक है ना, मेरे साथ नोट्स बनाने हैं। तो लिखो जरा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पहले तो मीनिंग क्या होता है बच्चे, कौन बताएगा? फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम क्या सीखते हैं? हाँ जी, इन दिस वी लर्न हाउ टू मैनेज फाइनेंसेस। हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। हम अपने फाइनेंस को कैसे मैनेज करें, दिस इज ऑल अबाउट फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो आप में से कौन मुझे बताएगा, जब भी किसी भी कंपनी को अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना होता है तो ब्रॉडली उसके लिए हमें कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं? हाँ जी, हमें क्या लेने पड़ते हैं? कुछ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। तो आप में से कौन मुझे बताना चाहेगा कि कितने तरह के डिसीजंस होते हैं इन रिलेशन टू फाइनेंस? अगर कोई भी कंपनी अपने फाइनेंसेस को मैनेज करना चाहती है तो उसको 3 major decisions लेने पड़ते हैं। वो कौन कौन से होते हैं, कौन बताएगा? पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन, वेरी गुड। दूसरा है फाइनेंसिंग डिसीजन, और तीसरा है डिविडेंड डिसीजन। वेरी गुड, बेहतरीन जवाब, बहुत बढ़िया, शानदार। अच्छा, आप में से कौन बताएगा इन्वेस्टमेंट डिसीजन में मैं आपको क्या सिखाऊंगा? वेयर टू इन्वेस्ट, हमें अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना चाहिए। सो आई विल बी टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स, आई विल बी टॉकिंग अबाउट शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स। हम सारे प्रोजेक्ट्स की बात करेंगे, लॉन्ग टर्म की भी बात करेंगे, हम शॉर्ट टर्म की भी बात करेंगे। तो बेसिकली यहां पर हमें सीखना है कि हमें अपना पैसा कहां पर इन्वेस्ट करना है। अब ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन कैसे लिए जाते हैं, इसके लिए आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपिटल बजटिंग, आपको मैं चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, इनफैक्ट पोर्टफोलियो का चैप्टर भी आपको सिखाएगा हाउ एंड वेयर टू इन्वेस्ट। ठीक है जी, चलो इसके बाद आ जाता है कि मान लो एक कंपनी को पता चल गया कि मुझे अपना पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, तो अनदर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज कि पैसा कहां से आएगा, फ्रॉम वेयर टू अरेंज द फंड्स। तो यहां पर लिखेंगे फाइनेंसिंग डिसीजन में फ्रॉम वेयर टू अरेंज फंड्स, आपके पास पैसा कहां से आएगा, दैट इज द अनदर क्वेश्चन। आपके पास पैसा कहां से आएगा, दैट इज द अनदर क्वेश्चन। ठीक है जी, स्क्रीन को जूम करूं? ऑलरेडी बहुत जूम नहीं है यार, रुको मैं चेक करता हूं, स्क्रीन तो अच्छी खासी जूम है, आई एम नॉट फाइंडिंग इट। प्रॉब्लम आ रही है किसी को क्या? इज एनीबडी फेसिंग द प्रॉब्लम?
नो इशू ना। ठीक है। अच्छा अब बताओ मुझे डिविडेंड सीजन क्या होता है बच्चे, वेयर टू, हाँ जी, या आप ऐसे बोलो वॉट एवर यू अर्न, हाँ जी वॉट एवर यू अर्न, उस अर्निंग को आप कैसे यूटिलाइज करोगे, आप जो भी कमाते हो उसको कैसे यूटिलाइज करोगे, यानी कि विल यू री इन्वेस्ट, विल यू री इन्वेस्ट और यू विल डिस्ट्रीब्यूट एज डिविडेंड। तो इसको बोलते हैं डिविडेंड डिसीजन। इसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड डिसीजन। तो कुल मिलाकर तीन ब्रॉडर डिसीजन होते हैं, बताओ कौन कौन से। पहला होता है पैसा कहां इन्वेस्ट करना है, पैसा कहां से बोरो करना है, एंड वॉट एवर हम कमाते हैं उसको हम क्या करें, चाहे हम उसको री इन्वेस्ट करें या फिर हम उसको डिविडेंड के तौर पे डिस्ट्रीब्यूट कर दें, जिसको हम यहां पे ब्रॉडली क्या बोलते हैं, डिविडेंड डिसीजन बोलते हैं। ठीक है सर, तो ये हमारा ब्रॉड ऑब्जेक्ट है, पूरे के पूरे फंडामेंटल है पूरे के पूरे एफएम का। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहता हूं, सबने आंसर देना है। इनमें से कोई भी डिसीजन लेने के लिए, हाँ जी, इनमें से कोई भी डिसीजन लेते समय आपको मालूम होगा कि लाइफ में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता जब तक आपको आपके ऑब्जेक्ट्स क्लियर ना हो। मेरा क्वेश्चन है आप सभी से, कौन मुझे बताएगा ये डिसीजन लेते समय क्या कंपनी को अपने ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन करने होते हैं? तो टेल मी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कौन बताएगा? व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एनीबॉडी, कम ऑन एवरीबॉडी टेल मी व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कैन यू आंसर माय क्वेश्चन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कम ऑन कम ऑन। वन इज लॉन्ग टर्म, वन इज शॉर्ट टर्म, देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, एक लॉन्ग टर्म है और दूसरा क्या है बेटा, शॉर्ट टर्म है। वेरी गुड। लॉन्ग टर्म को हम यहां पर क्या नाम देते हैं, कौन बताएगा? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ग्रेट। एंड शॉर्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्या बात है। तो याद रखना, कोई भी डिसीजन जब आप लोगे, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फाइनेंसिंग हो, चाहे वो डिविडेंड हो, आपको पहले आपके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए। ऑब्जेक्टिव्स लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव्स शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। अगर ये लॉन्ग टर्म है तो इसको आप वेल्थ मैक्सिमाइजेशन बोलते हैं, अगर ये शॉर्ट टर्म है तो इसको बोलते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। वेरी वेल डन यार, ग्रेट। अच्छा कौन मुझे बताएगा, जब मैं वेल्थ मैक्सिमाइजेशन पे बात करता हूं तो कंपनी किस पर फोकस करती है? अपने शेयर की मार्केट प्राइस पर। लिख लीजिए, कंपनी फोकसेस ऑन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स। अब आज चाहिए बेटा फटाफट से, कंपनी किस पर फोकस करती है? मार्केट प्राइस ऑफ शेयर पे फोकस करती है। बट जब मैं प्रॉफिट पे बात करता हूं ना, तो कंपनी अर्निंग पर शेयर यानी कि ईपीएस पे बात करती है। वेरी गुड, ग्रेट, बहुत शानदार, क्या बात है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन यानी कि ईपीएस पे बात किया जाता है। तो इसका मतलब लाइफ में कोई भी डिसीजन जब कंपनी लेती है फॉर इन रिलेशन टू फाइनेंस, तो या तो वो शॉर्ट टर्म होता है या फिर वो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के साथ होता है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव है तो अर्निंग, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव है तो वेल्थ। वेल्थ का मतलब है मार्केट प्राइस, अर्निंग का मतलब है अर्निंग पर शेयर। क्या यहां तक सबको क्लियर है? ग्रेट, बहुत बढ़िया यार, शानदार, जबरदस्त, आउटस्टैंडिंग। ठीक है जी, चलिए अब फाइनेंस की जब बात आती है ना, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट बहुत रोल प्ले करता है, एंड दैट कॉन्सेप्ट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टेल मी, फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी डिसीजन में टाइम बहुत क्रूशियल होता है, यस और नो? आप जब भी फाइनेंस से रिलेटेड बात करेंगे ना, तो समय आप इग्नोर नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज वैल्यू ऑफ मनी चेंजेस विद पैसेज ऑफ टाइम। जैसे जैसे समय बीतता है, क्या वैल्यू ऑफ मनी चेंज हो जाती है? यस सर। तो लाइफ में जब भी पैसों से रिलेटेड डिसीजन लेना हो, तो याद रखना टाइम वैल्यू ऑफ मनी कॉन्सेप्ट बहुत क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है। चलिए, आप में से कौन मुझे बताएगा, हाँ जी, आप में से कौन मुझे बताएगा कि वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आता है? कम ऑन, वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आता है विद पैसेज ऑफ टाइम? जनरली बताइए, बताइए वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आएगा
विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता है, जैसे जैसे समय बीतेगा, बताओ वैल्यू ऑफ मनी में क्या चेंज आएगा? क्या पैसे की वैल्यू बढ़ जाएगी या पैसे की वैल्यू गिर जाएगी? कौन बताएगा? वैल्यू ऑफ मनी में क्या काम होएगा? वेरी गुड, क्या बात है, ये डिक्रीज हो जाएगी। सो वैल्यू ऑफ मनी विल डिक्रीज विद पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैल्यू ऑफ मनी विल कम डाउन, ये ध्यान रखिएगा। वेरी गुड, तो कौन मुझे बताएगा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आज का 100 रुपया, आज मतलब जीरो होता है बेटा, जीरो पीरियड मतलब आज का, और एक साल के बाद का 100 रुपया, क्या इन दोनों 100 रुपए की वैल्यू सेम है? इफ नॉट तो टेल मी विच 100 रुपीज इज मोर पावरफुल, बताओ इनमें से कौन सा पैसा आज पावरफुल है? आज का 100 रुपया और एक साल के बाद का 100 रुपए में कौन सा 100 रुपया ज्यादा पावरफुल है, ये बताओ। एवरीबॉडी कम ऑन, आज वाला मोर पावरफुल है। क्या बात है, क्या बात है, ग्रेट आंसर। सो आज का जो 1 रुपया है, दैट इज मोर पावरफुल देन 1 रुपया आफ्टर 1 ईयर। सो सिमिलरली आज का 100 रुपया इज मोर पावरफुल एज कंपेयर टू 100 रुपया आफ्टर 1 ईयर, एंड दैट ऑल हैपेंस बिकॉज ऑफ व्हाट? इसका कोई रीजन बता सकते हैं क्यों आज का पैसा ज्यादा पावरफुल है? क्योंकि आपको लग रहा है कि आज के पैसे की वैल्यू ज्यादा है, यू विल गेट मोर थिंग्स With 100 rupees today as compared to 100 rupees after 1 year, which will give you lesser quantity. आज आपको इस 100 रुपए की ज्यादा क्वांटिटी मिलेगी और एक साल बाद आपको इसी 100 रुपए की क्या लेस क्वांटिटी मिलेगी? Yes. Very better. Beautiful. तो this is all because of inflation factor. Inflation factor. Very good. तो अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं, जरा सोच के बताइएगा कि अगर मैं ये कहूं कि 10% से इन्फ्लेशन है, 10% से इन्फ्लेशन है, बस आपको ये बताना है कि जो चीज एक साल बाद 110 रुपए की होगी वो आज कितने में मिलेगी मुझे, बस ये बता दो। कौन बताएगा? जो प्रोडक्ट एक साल बाद 110 रुपए का मिलेगा उसे मैं आज अगर लेना चाहूं तो कितने में मिल जाएगा अगर इन्फ्लेशन इज 10%? ओ माय गॉड, ग्रेट, वेरी वेल डन यार, 100 रुपए में मिल जाएगा। आपको कैसे पता 100 रुपए में मिल जाएगा? आपने क्या करा पता है? आपने इस 110 रुपए की क्या निकाल ली? प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली। वेरी गुड, तो हु विल टेल मी प्रेजेंट वैल्यू आपने कैसे निकाली है? सो मैथमेटिकली इसको बोलते हैं डिवाइड बाय आई रेस टू पावर 1 कर दो, क्योंकि ये ईयर 1 पे ड्यू था। तो इसको अगर आप मैथमेटिकली सॉल्व करेंगे तो इसको हम 100 रुपए ऐसे मिल जाएगा, और अगर हम इसको फाइनेंस में यूजिंग टेबल सॉल्व करेंगे तो कौन मुझे बताएगा क्या 110 इंटू पीवीएफ करना पड़ेगा, वेयर एन 1 एंड रेट इज 10%। क्या सबको समझ में आया? वेयर एन इज 1 एंड रेट इज 10%। बोलो मेरे बच्चे, N1 यानी कि एक साल बाद, रेट 10%। अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूं तो आप मुझे बताओ 1.10 डिवाइड इक्वल, अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं तो क्या ये 0.909? आपको याद होगा हम लोगों ने इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू निकालनी सीखी है पीवीएफ टेबल की। जिन्होंने मुझसे नहीं पढ़ा प्लीज मेक श्योर करिएगा, जैसे रेट 10% है ना तो आप अपने कैलकुलेटर पे लिखो 1.10। सर अगर 11% होता तो 1.11, अगर 12% होता तो 1.12, यानी कि जो परसेंटेज है उसके आगे पहले डेसिमल फिर 1 आगे लगा देना। 13% है तो 1.13, 15% है तो 1.15, पहले ही आपने ये लिखना है, देन प्रेस डिवाइड एंड देन इक्वल। जैसे ही आप पहला इक्वल दबाओगे ना तो आपको n इज इक्वल टू 1 के अगेंस्ट वैल्यू मिल जाएगी। क्या सबको क्लियर है? कम ऑन एवरीबडी, क्या सबको क्लियर? ग्रेट, तो इसका आंसर आप सॉल्व करेंगे क्या अगेन यू आर गोइंग टू गेट ₹100, यस और नो? तो आपको यहां पे फिर से क्या मिलेगा? 100 रुपए ही मिलेगा, 100 रुपए ही मिलेगा। क्या सबको क्लियर है? कम ऑन एवरीबडी, चलो ग्रेट। तो आप मुझे बताएंगे इसको करने के 2 रास्ते हैं, मैथमेटिकली हम ऐसे करते हैं और अगर हम यूजिंग फाइनेंशियल टेबल्स करते हैं तो इनटू पीवीएफ कर देते हैं। चलो एक बार मुझे आंसर और निकाल के देंगे। अगर मैं कहूं कि 5 साल बाद
I will give you 5 lakh rupees. Can you tell me how much you are going to pay me today if your rate of interest is 10%? Haan ji, who will answer my question? If rate of interest is 10%, then for 5 lakh after 5 years, how much you are going to pay me today? Bas aapne ye batana hai. Kaun answer dega? Come on, everybody. बोलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या बात है, आंसर भी आ गए. ग्रेट 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 ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार. तो ये आपने कैसे निकाला? आपने कहा कि सर देखिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 5 लाख, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रुपीज 5 लाख विल बी 5 लाख इनटू पीवीएफ N5 विद रेट 10%. आपको ये सॉल्व करना है, जो भी आएगा इसको 5 लाख से मल्टीप्लाई करना है. कैन यू आंसर मी इसका कितना आया था? हाँ जी, पॉइंट कितना आया था बताओ? 0.621 आया क्या आपका? आई होप सो, यही आया होगा 0.621, और इसको मल्टीप्लाई करके आपको मिल गया आज की प्रेजेंट. अच्छा, कैन यू एक्सप्लेन मी द इसका मीनिंग क्या है? अच्छा, जो आपने आंसर निकाला 3,10,461 रुपए, कैन यू एक्सप्लेन मी द मीनिंग ऑफ दिस? हाँ जी, जो भी जहां पर भी बैठा हुआ है, आपको अपने मन में बोलना है कि आपने इसका मीनिंग क्या निकाला है. मतलब आज का 3,10,461 रुपए में जो भी मिलेगा, क्या वही चीज 5 साल बाद क्या 5 लाख में मिलेगा? यस. तो आज का 3,10,461 की वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ 5 लाख आफ्टर 5 ईयर्स. क्या सबको समझ में आ गया? कम ऑन एवरीबॉडी, वेरी गुड वेरी गुड. इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, वेरी गुड. अश्लेषा बिल्कुल सही बोल रही है, अगर मैं आज इतना पैसा डिपॉजिट कर दूं तो मुझे 5 साल बाद 5 लाख रुपए मिलेगा, बिल्कुल सही. या आप ये भी बोल सकते हो कि आज के जो 3,10,461 रुपए हैं और जो 5 साल बाद 5 लाख रुपए होंगे, क्या वैल्यू टर्म्स में बोथ विल बी सेम? आंसर इज यस. ब्यूटीफुल यार. हिमांशु, आई एम सेइंग आज का 3,10,461 रुपए की जो भी वैल्यू है, मतलब इतने रुपए लेकर आपको जो भी मिलता है, वही चीज आपको 5 साल बाद 5 लाख रुपए में मिलेगी, क्योंकि इन्फ्लेशन आ जाएगा. 0.621 कैसे आया बेटा? आपने लिखो 1.10 लिखो कैलकुलेटर पे, डिवाइड का बटन प्रेस करो एंड 5 टाइम्स इक्वल प्रेस करो, देखो आपको क्या वैल्यू आ रही है. अगर आपका 0.621 नहीं आ रहा तो कैलकुलेटर को आपको बेचना पड़ेगा, थोड़े से पैसे डाल दो और फिर नया कैलकुलेटर ले लो. हाँ जी, क्या सबको क्लियर है या नहीं? प्रखर दीक्षित, सर वाला नहीं समझ आया कैसे सॉल्व हुआ, सर प्लीज बता दो. कौन सा वाला बेटा, कौन सा वाला नहीं समझ आया? वेरी सून वेरी सून, सीए इंटर वालों का बहुत जल्द शुरू होने वाला है. देखो ना, आपको पीवीएफ से मल्टीप्लाई करना है, प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है, जब भी आप किसी भी नंबर को प्रेजेंट पे लेकर आएंगे, ठीक है ना. और एन कितना है? 5, क्योंकि ये अमाउंट फिफ्थ ईयर ड्यू था और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%. बस इसकी वैल्यू ऐसे निकालनी है, बस याद रखो, ठीक है जी. कल कल कल, चलो ग्रेट. अब ध्यान से सुनना जरा, कई बार क्या होता है, लिखो टाइप टू. समटाइम्स क्या होता है, मान लो अगर मैं ये कहूं 1,10,000 रुपीज हर साल ड्यू है फॉर 5 ईयर्स एंड आई वॉन्ट टू नो द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल दीज कैश फ्लोस, मेरे को इन सब की प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है. तो देखिए, एक तरीका तो ये है कि हम पहले इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालें, फिर हम प्लस करें इसकी प्रेजेंट वैल्यू, प्लस करें इसकी प्रेजेंट वैल्यू. एक तरीका तो ये है हमारे पास.
तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर वन क्या है, 1 लाख इनटू पीवीएफ N1, डेफिनेटली कोई रेट आपको गिवन होगा, मान लो डिजायर्ड रेट 10% ले लेते हैं, ठीक है जी, ओके। और दूसरे नंबर पे फिर आप अगला वाला 1 लाख, इसको पीवीएफ N2 करेंगे आप, रेट 10%, इस तरह से यू विल राइट इट फॉर 5 टाइम्स। और जो आखिरी वाला लिखेंगे आप 1 लाख N5, रेट 10%, तो आपने इस तरह से 5 बार लिख दिया, ठीक है ना, ये पहला मेथड है। लेकिन आपको ही नजर आ कि इसमें मैथमेटिकली क्या 1 लाख कॉमन है, बिल्कुल, तो 1 लाख को हम बाहर निकाल सकते हैं। तो अगर मैं 1 लाख को बाहर निकाल दूं तो अंदर कितने पीवीएफ बचेंगे बेटे, सिर्फ अंदर पीवीएफ रह जाएंगे, पीवीएफ N1, N2, लाइक दिस अप टू 5 टाइम्स। तो इसको आपने क्या करना है, पीवीएफ लिख देना है बस। हाँ जी, जिन लोगों को मालूम है बहुत अच्छी बात है, जिन्हें नहीं मालूम प्लीज ध्यान रखिएगा, सुन लीजिए ध्यान से, सुन लीजिए, हमेशा एक बात याद रखनी है, अगर आपको कोई भी अमाउंट रेकरिंग मिल जाता है, इफ यू फाइंड एनी अमाउंट रेकरिंग, हर साल रिपीट हो रहा है, और अगर आप उस पूरी सीरीज को प्रेजेंट में लाना चाहते हो, प्रोवाइडेड मैं बार बार बोल रहा हूं अमाउंट सेम है हर साल, तो उस केस में प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है कि आप उस नंबर को पीवीएफ से मल्टीप्लाई कर दो रादर देन पीवीएफ। अब आप मुझे बताओ इसकी वैल्यू क्या है, पीवीएफ की वैल्यू क्या है, N5 रेट 10%, आई होप एवरीबॉडी नोज दिस, इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, कौन बताएगा, 1.10 अगेन डिवाइड इक्वल 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 इक्वल, लास्ट में ना आपको ग्रॉस टोटल प्रेस करना है बेटा, लास्ट में आपको क्या प्रेस करना है, ग्रॉस टोटल, क्या सबको क्लियर है या नहीं, बोलो मेरे दोस्तों, बोलो बोलो बोलो, वेरी गुड, दिस इज 3.79, ओके, सो 1 लाख इंटू 3.79, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3,79,000 समथिंग, चलो ग्रेट, तो आई एम श्योर द पॉइंट इज क्लियर नाउ। सो अगर मैं कहूं कि आपको एक एक वैल्यू को प्रेजेंट में लेकर आना है अलग से, तो यूज पीवीएफ टेबल, और अगर आपको एक पूरी सीरीज एक साथ प्रेजेंट में लानी है तो क्या आप उस पर शॉर्टकट लगा सकते हैं, प्रोवाइडेड अमाउंट रेकरिंग होना चाहिए एंड दैट विल बी पीवीएफ, क्या सबको क्लियर है, यस और नो, चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। सीएस संध्या कह रही है कि मेरे को टेबल वैल्यू निकालना सिखा दो, बेटा देख ले एक बार दोबारा से, पीवीएफ N5 रेट 10% अगर तेको निकालना है, 1.10 डिवाइड N5 है ना, तो 5 बार इक्वल प्रेस कर, तेरा आंसर आ जाएगा। और अगर देखो पीवीएफ की वैल्यू निकालनी है N5 रेट 10%, तो 5 बार इक्वल प्रेस करो और लास्ट में ना ग्रॉस टोटल दबा दो, लास्ट में आपने क्या प्रेस करना है, ग्रॉस टोटल, बोलो मेरे प्यारे दोस्तों, सबको क्लियर है। सुमित कह रहा है कि सर अगर जीटी ऑप्शन ना हो तो क्या करें, सुमित भाई 2 ऑप्शन है तेरे पास, तू पता क्या कर, या तो तू ऑप्शन 1 ये कर कि नया कैलकुलेटर ले ले और अगर तू कैलकुलेटर नहीं लेना चाहता तो 1.10 डिवाइड हर इक्वल के बाद M प्लस प्रेस करना पड़ेगा तेरे को, हर इक्वल के बाद तेरे को M प्लस प्रेस करना पड़ेगा, ठीक है ना, और लास्ट में ना तेरे को MRC निकालना पड़ेगा, मेमोरी रिकॉल, ठीक है जी। तो वैसे तो मेरे को लगता है GT वाला कैलकुलेटर खरीद लो ना यार, ज्यादा बढ़िया, क्या कहते हो, GT वाला कैलकुलेटर खरीदो आपको ज्यादा बढ़िया लगेगा, है कि नहीं,
चलो ग्रेट। हाँ ये बेटर है वैसे। ओके दैट्स ग्रेट। तो मेरे ख्याल से आपको ये दोनों बातें समझ आ गई। तो आई एम गिविंग यू वन क्वेश्चन नाउ, ठीक है, आपको आंसर देना है। लिखो, मिस्टर एक्स इज विलिंग टू गेट ₹5 लाख आफ्टर 2 ईयर्स एंड ₹9 लाख आफ्टर 4 ईयर्स एंड इफ डिस्काउंट रेट इज 12%, फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू। अगर डिस्काउंट रेट 12% हो तो आपके हिसाब से प्रेजेंट वैल्यू क्या होगा, दैट इज माई क्वेश्चन। चलिए कौन बताएगा मेरे बच्चे? ₹5 लाख आपको चाहिए कब? आफ्टर 2 ईयर्स। 9 लाख आपको कब चाहिए? आफ्टर 4 ईयर्स। आपको ये बताना है कि आपकी डिस्काउंटेड वैल्यू और यू कैन से प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगी। अगर मेरा डिस्काउंट रेट कितना है? 12%। बताओ जी, 5 लाख इंटू PVF N2 रेट 12%, 9 लाख इंटू PVF N4 रेट 12%। वेरी गुड, ग्रेट। सो प्लीज टेल मी, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो पहले आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, फिर आप इसकी वैल्यू निकाल दीजिए, एंड देन दिस विल बी योर आंसर। सो होपिंग फॉर सबका आंसर 970563 आ रहा है, तो यही आंसर होना चाहिए। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया, शानदार। आई एम श्योर सबने वीडियो लाइक कर दिया होगा। हाँ लाइक वाइक तो कर ही देता है बच्चा, ज्वाइन करते ही कर देता है। चलो वेरी गुड यार, बहुत बढ़िया। तो आपको ये तो समझ आ गया कि PVF कब यूज होता है और PVAF कब यूज होता है। इसका अभी मैं रियल लाइफ टाइम, यानी कि जब हम रियल लाइफ में इस इंप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो वो भी अभी मैं सिखाऊंगा आपको। नेक्स्ट लिखेंगे जरा सारे, थर्ड टाइप लिखेंगे, टाइप थ्री लिखना सबने। आपका जो टाइप थ्री है वो ये है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअटी। लिख लीजिए, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअटी। हाँ जी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअटी। अब परपेचुअटी क्या होता है मालूम है आपको? हाँ जी, हु विल टेल मी व्हाट इज परपेचुअटी? फॉर एवर। यानी कि जब भी कोई चीज फॉर एवर के लिए आपको मिल रही हो उसको परपेचुअल बोलते हैं, और उस परपीचुअटी को भी प्रेजेंट में लाया जा सकता है। बट अनफॉर्चुनेटली इसमें PVF और PVAF के टेबल्स यूज नहीं होते हैं। किसी भी चीज को अगर हमें, मान लो इन्फिनिटी तक जा रही है, मान लो मैंने कहा मुझे 1 लाख रुपीज चाहिए हर साल, और आपने कहा कब तक चाहिए? मैंने कहा फॉर एवर, हमेशा के लिए चाहिए। तो बताओ इस पैसे को पाने के लिए आज मैं कितना पैसा जमा कराऊं, दैट इज माई क्वेश्चन। एंड लेट से माई डिस्काउंट रेट इज 10%। अज्यूम कर लेते हैं कि आपका डिस्काउंट रेट क्या है, 10% है। तो चलिए कौन आंसर देगा इसका? हाँ जी, हु इज गोइंग टू आंसर मी दिस क्वेश्चन? बोलो बेटा, व्हाट विल बी योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? 1 लाख रुपीज एवरी ईयर फॉर एवर, और आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है 10%,
टेल मी व्हाट विल बी द, हाँ जी, व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू. वेरी गुड यार, ब्यूटीफुल. 10 लाख रुपए, ग्रेट. तो ये 10 लाख रुपए कैसे आया, समझ आया ना? प्रेजेंट वैल्यू विल बी आई, यानी कि जो भी आर है हर साल जो आ रहा है, डिवाइड बाय आई. यहां पे आई स्टैंड्स फॉर 0.10, सो दैट इज 10 लाख. ब्यूटीफुल. तो अगर हम आज बैंक को कितने रुपए दे दे, 10 लाख एट द रेट ऑफ 10%, देन बैंक विल पे मी 1 लाख रुपीज एवरी ईयर. कब तक? फॉर एवर. फॉर एवर से मेरा यहां पे क्या मतलब होता है, अगर आप अपना 10 लाख रुपया बैंक को फॉर एवर दे देते हैं, तो क्या बैंक उस 10 लाख के अगेंस्ट आपको 1 लाख रुपया फॉर एवर देने को तैयार है? वेरी गुड यार, ग्रेट. हाँ जी, क्या सबको क्लियर हो गया ये? बोलो बेटा जी, क्या हम इसको लॉक कर सकते हैं? तो करक्स ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना हो, तो आपके पास 3 तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. पहला, वेयर अमाउंट इज कॉन्स्टेंट फॉर एवर, ठीक है, और लाइफ डिफाइंड है, तो वी विल यूज PVAF टेबल. अगर वो कांस्टेंट नहीं है, हर साल वेरी कर रहा है, तो वी विल यूज PVF टेबल. यहां तक क्लियर है? एंड लास्टली मैंने कहा था परपीचुअटी, जहां पर इनफाइनाइट है, तो डिवाइड बाय आई आपको यूज करना है. क्या मैं लॉक कर सकता हूं? हां बिल्कुल. 1 लाख रुपया न्यूमरेटर में लिखा है मैंने. सुचिता, मैंने कहा ना, अगर आपको कभी भी प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपीचुअटी निकालना हो, तो आपने उस वैल्यू को डिवाइड बाय कर देना है डिस्काउंट रेट, और डिस्काउंट रेट आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा. ठीक है ना? तो इट्स वेरी इजी. चलो ग्रेट. चलो चलो चलो, देखो जो भी इस तरह से बीच बीच में डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स आते हैं ना, तो यू शुड इग्नोर, और आप सिर्फ पढ़ाई पे फोकस करो. ठीक है? चैट तभी यूज करो जब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा. अननेसेसरी चैट पे फोकस मत करो. आई कैन ब्लॉक द चैट अदरवाइज. ठीक है जी? हाँ, प्लीज इग्नोर द चैट्स, फोकस करो जो आप यहां पर पढ़ रहे हो. ठीक है? तो ऊपर नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे फ्यूचर वैल्यू. सबने लिखना बच्चे फ्यूचर वैल्यू. राइट ऑन द टॉप फ्यूचर वैल्यू. लिखो जरा फ्यूचर वैल्यू कैसे निकाला जाता है. इसमें भी 2 तरह के केसेस होते हैं बच्चे. लिखो, पहला केस होता है 1-time deposit. हाँ जी, लिख लीजिए 1-time deposit. और दूसरा केस होता है recurring deposits. लिख लीजिए. एक होता है 1-time deposit, जिसको आप FD बोलते हो. FD का नाम सबने सुना है या नहीं? कि मान लो आपने बैंक में आज 10,000 रुपए जमा कराए, तो what will be your amount? लेट से आफ्टर 5 years, या आफ्टर 6 years, या आफ्टर 7 years, समथिंग लाइक दैट. ठीक है ना? एंड आई वॉन्ट टू नो कि 5 साल बाद ये अमाउंट कितना होगा. दैट इज माई क्वेश्चन. अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है तो. ठीक है जी? तो ये हो गया 1-time deposits. एंड 1-time deposits पे फ्यूचर वैल्यू क्या होगी, दैट इज माई क्वेश्चन. और एक और होता है बेटा, कौन बताएगा? जहां पर हम लोग 1-time deposit ना करके क्या हर साल deposit करेंगे.
ठीक है ना, हर साल डिपॉजिट करेंगे लाइक दिस, हर साल डिपॉजिट करेंगे। क्या सबको क्लियर है या नहीं, बोलो बेटा। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% पर एनम है दोनों ही केसेस में, एक में आपने एक बार डिपॉजिट करा और एक में आपने हर साल रिकरिंग डिपॉजिट्स करे, तो फ्यूचर वैल्यू कैसे निकलता है वो आप लिख लीजिए। जो भी आप अमाउंट डिपॉजिट करेंगे इनटू 1+i^n इंटू 1+i^n अगर आप करेंगे तो यू विल स्ट्रेट अवे गेट अ फ्यूचर वैल्यू। ठीक है, लेकिन ये वाला फॉर्मूला कब यूज करना है, इन केस ऑफ फिक्स डिपॉजिट। ठीक है जी, और अगर आपका रिकरिंग डिपॉजिट है यानी कि आप डिपॉजिट करेंगे हर साल, हाँ जी कौन बताएगा मुझे, अगर आप हर साल डिपॉजिट करते हो कौन मुझे बताएगा, उस केस में आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, बोलो बोलो बोलो, r इंटू 1+i^n -1/i, वेरी गुड, ग्रेट 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 कुणाल, क्या बात है, वेरी गुड मोनिश, दिसंबर रिवीजन में 53 नंबर आए, वेरी गुड। इनफैक्ट आपको सबको मालूम है कि इस बार दिसंबर का जो पेपर था थोड़ा सा टेढ़ा सा था, है ना, तो 53 मार्क्स, वेरी गुड मार्क्स। चलिए कौन बताएगा, ये सबको समझ में आ गया बेटा, ग्रेट। अब आप मुझे फटाफट से बता दो कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, ये वाला फॉर्मूला कब लगाना है आपने, जब आप वन टाइम डिपॉजिट करेंगे, और ये कब लगाना है, जब आपने रेकरिंग डिपॉजिट्स करा। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, लिखो जरा। मिस्टर एक्स ने डिपॉजिट करा ₹50,000 फॉर वन ईयर से, मान लो एक साल के लिए करा, चलो तीन साल ले लेते हैं यार, थ्री ईयर्स, एट द रेट ऑफ 12% पर एनम, फाइंड आउट करो फ्यूचर वैल्यू। हाँ जी कौन बताएगा, आर का मतलब होता है बच्चे, जब भी एनुइटी बनती है ना तो एनुइटी को हम मैथमेटिकली आर शो करते हैं, आर मतलब द अमाउंट विच विल रिपीट एवरी ईयर, आर इंटू 1+i^n -1/i, चलो ग्रेट ग्रेट बहुत बढ़िया। सो अगर मैं ₹50,000 आज डिपॉजिट कर देता हूं, लेट्स से फॉर थ्री ईयर्स, तो मेरा फ्यूचर में वैल्यू क्या होगा, दैट विल बी 50,000 इंटू 1+0.12^3। इसको सॉल्व करना है मुझे, अच्छा इसको सॉल्व कैसे करेंगे, कैलकुलेटर पे आता है सबको, लिखो 1.12 इंटू दबाना है, इस बार डिवाइड नहीं दबाना क्योंकि इस बार आपको पावर चाहिए, ठीक है ना, इक्वल करेंगे तो ये पावर 2 का आंसर आएगा, एक और इक्वल दबाएंगे तो पावर 3। याद रखिएगा फ्यूचर वैल्यू में अगर पावर 3 है तो इक्वल दो बार ही दबेगा, याद रखना। क्या सबको क्लियर है या नहीं, अगर आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी है और अगर पावर 3 है तो आपको इक्वल कितनी बार दबाना है, दो बार दबाना है। चलो ग्रेट, तो अब मुझे बताओ इसका आंसर क्या आएगा, मेरे पास कैलकुलेटर अभी नहीं है, आप बताओ 1.12 इंटू इक्वल व्हाट इज योर आंसर, 1.405, सबका यही है, वेरी गुड। तो इसको मल्टीप्लाई करके यू विल गेट
70,246 रुपीस, ग्रेट, बेहतरीन जवाब, ब्यूटीफुल। अच्छा एक बात, मेरी बात याद रखिएगा कि आफ्टर एवरी टू चैप्टर वी विल फिक्स टेस्ट। तो जैसे आज मैंने करा दिया टाइम वैल्यू ऑफ मनी, अगला चैप्टर मैं कराऊंगा लीवरेज, अगला चैप्टर कौन सा करेंगे लीवरेज। ये दो चैप्टर के बाद वी विल फिक्स वन टेस्ट, फिर हम ऐसे ही सीएमए का चैप्टर उठाएंगे, दो चैप्टर के बाद एक टेस्ट, इस तरह से हम लोग काम करेंगे। ठीक है जी। हाँ सुचित्रा, जब आप फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हो तो मल्टीप्लाई, और अगर आप प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे हो तो डिवाइड। थ्री डेसिमल तक आप राउंड ऑफ कर सकते हो बेटा। हाँ बिल्कुल, टेस्ट का प्राइस ब्रांड न्यू आपको मिलेगी एसयूवी, बिल्कुल सही। ठीक है, बहुत बढ़िया, शानदार। तो वी विल फिक्स टू चैप्टर फर्स्ट फॉर एफएम, देन टेस्ट, फिर टू चैप्टर फॉर अकाउंट्स, फिर टेस्ट। तो इस तरीके से वी विल प्लान, सो दैट आपका जो भी मैं चैप्टर कराऊं वो आपको अब अच्छे से आता हो। पावर थ्री तीन बार इक्वल मत दबा देना, पहले बता रहा हूं। अगर क्योंकि देखो ना, जो पहला नंबर होता है ना वो ऑलरेडी पावर वन होता है, तो इक्वल टू दबाते ही पावर टू आती है, थ्री, फिर थ्री आ जाएगी, फिर फोर आ जाएगी, इसलिए। काजोल क्या कह रही है, काजोल कह रही है टेस्ट कौन सी ऐप पर होगा, कर लेंगे प्लान, डोंट वरी। चलो कोशिश करेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश। ठीक है जी, चलो अगला क्वेश्चन लिखना जरा। मिस्टर एक्स ने डिपॉजिटेड रुपीस 10,000 फॉर 5 years बिगिनिंग फ्रॉम एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। अगर इंटरेस्ट रेट 10% पर एनम है तो आपको निकालना है फ्यूचर वैल्यू। चलिए कौन बताएगा, हाँ जी, एनीबडी कैन आंसर मी दिस क्वेश्चन। जोशी कह रहे सर अगर पावर वन हुई तो कुछ नहीं करना, फिर इक्वल मत दबाइयो, क्योंकि फिर तो 1.12 इटसेल्फ ही पावर वन है, बस फिर इनटू और इक्वल मत दबाना। हाँ जी, कौन आंसर देगा, इसका आंसर दो मुझे। 10,000 1.10, ठीक है जी, 5 years के लिए। कितना आंसर आया बताओ, N5 है बेटा, फॉर 5 years, ये लिखा ना फॉर 5 years। नहीं नहीं एक सेकेंड, एक सेकेंड, मैंने ये फॉर्मूला, एक सेकेंड यार फॉर्मूला ये है, सॉरी हाँ
एनुइटी है ना बेटा, 10,000 रुपीज फॉर 5 ईयर्स। रेकरिंग है, रेकरिंग है, रेकरिंग है, हर साल आप जमा करा रहे हो। चलो ग्रेट, सबको क्लियर हो गया या नहीं? ओके ओके ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स ग्रेट। चलो तो आई होप क्लियर टू एवरीवन। तो ये लीजिए, हमारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी पहला चैप्टर खत्म हो गया बेटा। सो टाइम वैल्यू ऑफ मनी में आपने क्या सीखा? हाउ टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यूज। हाँ जी, सबने लिखना है हाउ टू फाइंड आउट प्रेजेंट वैल्यू एंड हाउ टू फाइंड आउट फ्यूचर वैल्यूज। क्या सबको क्लियर हो गया या नहीं? अच्छा, अब मेरे को एक बात बताओ, अब नेक्स्ट क्लास में आओगे या छुट्टी मारोगे? हाँ जी, अच्छा, इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट बता देता हूं। हाँ सोफिया, वो आता नहीं है बेटा, होता है वो एनविटी ड्यू एंड एनविटी, वो वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन आपको नहीं करना वो, ठीक है ना? अच्छा, कल सब मिल रहे हैं ना। अच्छा एक ना कॉन्सेप्ट और लिख लो, हालांकि पेपर में नहीं आता ये वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है ना? एक बच्चे ने पूछा है तो मैं आपको बता देता हूं। चलो आप मुझे बताओ, ऊपर हेडिंग डालो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक लिख लो, 5 मिनट का टॉपिक है ये, लिखो इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, एक 5 मिनट्स का टॉपिक है छोटा सा, लिखो जरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। सबने लिखना जरा इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो आपके पापा ना एक लोन लेने गए हैं, तो एसबीआई उनको ऑफर कर रहा है 12% पर एनम, लेट्स से कंपाउंडिंग क्वार्टरली, और लेट्स से कोटक महिंद्रा उनको ऑफर कर रहा है 14% पर एनम या 12.5% लगा लेते हैं पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। सवाल यह है कि कौन सा वाला रेट बेटर है, कहां से लोन लिया जाए? क्वेश्चन यह है कि या तो एसबीआई से लिया जाए 12% पर एनम कंपाउंडेड क्वार्टरली, या 12.5% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअली। हां जी, क्वेश्चन यह है कि हमें कहां से लोन लेना चाहिए? कम ऑन एवरीबॉडी, क्वेश्चन समझ आया आपको? क्या ये क्वेश्चन समझ आया? बच्चा कह रहा सर कोटेक से ले लो। देखो इसका आंसर कैसे देते हैं हम लोग, हमें ना ये समझना पड़ेगा कि ये जो कंपाउंडिंग क्वार्टरली वाला रेट है वो एक्चुअल में इफेक्टिव रेट क्या है, ये हमें निकालना पड़ेगा। हमें निकालना पड़ेगा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। हाँ जी, वी नीड टू फाइंड आउट इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अच्छा, कौन बताएगा इसका इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे? लिखो जरा, 1 प्लस i रेज टू पावर 1 एंड 1 प्लस 0.12, क्योंकि कंपाउंडिंग क्वार्टरली है
तो एक साल में कितने क्वार्टर होंगे? 4 की पावर 4। आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा और यहां से आपको आई निकालना होगा। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे, करो जरा सॉल्व कितना आएगा। सारे बच्चे सॉल्व करेंगे इसको, 1.03 सर ये आएगा 12.55%। इसका मतलब एसबीआई का 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली इज इक्वल टू 12.55%, और कोटेक का है 12.5%, तो कोटेक का सस्ता पड़ गया एसबीआई से। समझ आया या नहीं? जिनको नहीं समझ आया एक बार ही चेक कर लेंगे। बताता हूं क्यों किया पावर मैंने, मैं आपको बताता हूं। देखो फॉर्मूला होता है, देखो आपके बुक्स में ना, वैसे तो खैर ये पेपर में आपके आना नहीं है, मैं पहले बता दूं, एक बच्चे ने पूछा तो मैंने बता दिया। 1+ इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1+ जो भी i है डिवाइड बाय n की पावर जो भी आपके पास n। अब यहां पे n क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूं कंपाउंडिंग क्वार्टरली है ना, इनटू नंबर ऑफ इयर्स, ऐसे लिखते हैं हम लोग, ठीक है ना। अब मुझे बताओ कंपाउंडिंग अगर क्वार्टरली है तो साल में कितने क्वार्टर है? 4। तो रेट को डिवाइड बाय 4 कर दो और पावर को मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, ये फॉर्मूला होता है। बेशक आप यहां पर n लिखेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इफेक्टिव रेट के अंदर हमें n ही चाहिए होता है, क्योंकि आप एक साल का निकालते हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो अगर मैं कहूं कि 12% कंपाउंडिंग क्वार्टरली एनुअल कितना होता है, तो उसका आंसर है 12.55%। मृग्या कह रही है 12.55 नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा भाई? सॉल्व कर जरा ध्यान से। 1.03 इनटू कर और 3 बार इक्वल दबाना है। मैंने तुम्हें बोला था पावर अगर 4 है तो 3 बार इक्वल दबेगा। भैया मैंने अभी अभी बताया, जब भी आप नहीं इसमें -1 -1 कुछ नहीं करना, वो तो जब आप सॉल्व करोगे तो डेफिनेटली 1 उधर चला जाएगा ना। अबे लल्लुओ इसको सॉल्व करने पे आ रहा है 1255088, तो 1 उधर नहीं जाएगा। तो ये 0.1255 कितना होता है? 12.55% ही तो होता है, 12.55 सॉरी। जल्दी बताओ आंसर आया या नहीं आया? SBI का 12% है, इसको जब एनुअल करेंगे तो 12.55 आएगा, और कोटेक का 12.5 है, तो इसका मतलब कोटेक का सस्ता है। चलो शुक्र है आ गया, तो बहुत बढ़िया। समरी लिख लो, चैप्टर की समरी लिख लो। प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए ऑप्शन 1 या तो पीवीएफ टेबल यूज करो, अगर आपका अमाउंट हर साल अलग है तो, या पीवीएफ टेबल यूज करो अगर रेकरिंग है, और अगर परपीचुअल है तो क्या आर अपॉन आई करेंगे। फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए अगर वन टाइम डिपॉजिट है तो खाली ये कर देना, एंड अगर आपका आरडी है, रेकरिंग डिपॉजिट है, तो फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आर इंटू 1+i^n-1/i कर देना। और अगर आपको इफेक्टिव रेट निकालना हो तो ऐसे लिख लेना, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है लाइक दिस, ऐसे भी लिख सकते हो डायरेक्ट फॉर्मूला। हां जी, इफेक्टिव रेट का फॉर्मूला होता है 1+i/n^n-1। सबको समझ में आ गया या नहीं? एक बारी प्लीज चेक करके बता दीजिए। मेरे को लगता है मैंने ना पीछे एक फॉर्मूला शायद गलत हो गया था हमारा, ये लिखा गलत था हमने, ये ऐसे है बेटा, ठीक है ना, ये आर जो है ना वो बाहर है, बाहर ऐसे। क्या सबको क्लियर हो गया जी?
चलो जी, तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कल दोबारा मिलेंगे हम सेम टाइम 9 बजे, और कल हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे लीवरेज, ठीक है जी। तो 2 दिन में 2 चैप्टर हो जाएंगे, और परसों रखूंगा मैं दोनों का टेस्ट, ठीक है जी। चलो ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। मिलते हैं आपसे कल रात को 9 बजे। उम्मीद करूंगा सब बच्चे ज्वाइन करेंगे, और इस बार 90 के पार, ठीक है जी। चलो कमेंट करके जरूर बताना क्लास कैसी लगी। कल मिलते हैं रात को 9 बजे।